अच्छा है वो भी नहीं मालूम, लंगड़ा है वो भी नहीं मालूम। अल्लाह कह रहा है बंदे शादी कराने की जिम्मेदारी भी मेरी थी, औलाद का देने की जिम्मेदारी भी मेरी। हमारा क्या है, हमारा क्या है? आप एक चीज बताओ, मौलाना मेरा इख्तियार है बोल के आप एक क्या भेजा देखें अल्लाह की कसम, एक बताओ फोन फोन कुछ भी नहीं है मेरे भाई, हमारी कोई इख्तियार नहीं, हमारा कोई मसला ही नहीं, हम खाली मोहताज हैं, मजबूर हैं, कमजोर हैं, निहत्ते हैं हम बस। सारी कायनात का निजाम चलाने वाला जोर से बोलो अल्लाह, हम नागरिकता छीन लेंगे, अल्लाह बोला हम हुकूमत छीन लेंगे। मैं को बड़ा ताज्जुब दिखा भाई, हमारे वो बड़े बड़े मिनिस्टर जो है दिल्ली में मीटिंग आते रहे थे एक साल पहले, हम लोग सब मिलके जो है मैं वजीर आजम बनूंगा, बोले मैं बनूंगा, बोले मैं बनूंगा, अल्लाह बोला कोई भी नहीं, चल जिसको हम बनाना है हम बनाते, बोले इन्हें बेचारा रोते बैठा था, इसको मालूम भी नहीं था इन्हें कुछ बनने वाला, लोग अम्मा किसको चीफ मिनिस्टर भी बना दिए, दिल्ली में हीरो भी बना दिए। नहीं, निजाम कुदरत है अपना, क्या है जी, नहीं समझे, समझे समझे चंद्रा बाबू नायडू जी इतना कुल्ला बोलना पड़ता पैंगन पर ली। कल तक थाइच ने भी बेचारा गिनती में नहीं था यार, एक मिनट में नहीं गया गरीब चीफ मिनिस्टर भी बन गया, दिल्ली में हीरो भी बन गया, लोग थाइच नहीं है मीटिंग कर रहे केजरीवाल साहब, उन्होंने जाके बैठे जेल में, लोग मीटिंग करे वो मिनिस्टर साहब उन्होंने हार गए, उन्होंने घर में आराम कर रहे। ये पट्टा आंध्र प्रदेश से निकल के पूरे हिंदुस्तान में हीरो बन गया, अल्लाह बोल रहे है बंदे तुम्हारा टेंशन रख लो, हम है खुदा का निजाम अलग है, बंदो अल्लाह की जात पे यकीन रखो, घर से जब निकलो तो ये मत सोचो कि मैं कुछ हूं, नहीं कुछ नहीं है। अकबर बादशाह था, बादशाह 10 लाख की फौज थी अकबर के पास, मगर अकबर के घर में बेटा पैदा नहीं हुआ था। 10 लाख की फौज थी, 10 लाख, 10 लाख सिपाही जिसके एक इशारे पे जान देने तैयार है, उसके घर में बेटा नहीं है। वो ही अकबर की झोली भरी तो किसी और जगह नहीं, अल्लाह के महबूब वली हजरत पीर सलीम साहब क़िबला रहम सलीम चिश्ती की दुआ से अल्लाह ने उसकी गोदी को भर दिया, अल्लाह ने उसके घर में औलाद पैदा कर दी। अल्लाह बता रहा है बादशाह भी हुआ तो हमारी बारगाह में उसकी कोई औकात, हमें बंदो हमें सब कुछ, किसको बिठाना, किसको उतारना, किसको तड़पाना, किसको प्यार करना, किसको देना, किसको नहीं देना, ये सब हमारी काम है। अच्छा, अगर कोई नेमत मिल गई ना खुश होना, नहीं मिली तो सबर करना, मिली तो शुक्र करना, मिली तो, नहीं मिली तो सबर करना, फिर बोलो मिली तो शुक्र करना, नहीं मिली तो सबर करना। और इंसान की लालच क्या रहती, जो नहीं मिलता नहीं वही अटकते रहता, नहीं बोलना रे हॉल है, जो मिल गई ना उस पर शुक्र अदा कर, नौकरी इतने मिल रही, नौकरी इतने मिल रही, नौकरी अबे हॉल है, नौकरी के पीछे के कुपड़ा ठहर, नौकरी नहीं मिली तो तेरा खाल नहीं मिली, परसों मिल देगी, नहीं मिली तो अच्छा ही ना बैठ चुकू से घर में कहीं को टेंशन ले रहा, बात समझ में आ रही है, जो नेमत है पहले उसका तो शुक्र अदा करो, बीवी है उसका शुक्र अदा कर, माँ बाप है उसका शुक्र अदा कर, औलाद है उसका शुक्र अदा कर, भाई बहन है उसका शुक्र अदा कर, सांसें चल रही है इसका शुक्र अदा कर, बगैर नौकरी के 3 टाइम खाना मिल रहा शुक्र अदा कर, एक जगह अटक जाता मुसलमान अटक जाता। मगर एक बात याद रख लो मुसलमानों, अगर अल्लाह किसी को कोई चीज नहीं देता ना तो भी आप जो है उसमें नर्वस नहीं होना, मायूस नहीं होना, शिकवा शिकायत नहीं करना अल्लाह से। आप पूछे क्यों मौलाना, एक वाकया सुना तो बात पूरी समझ में आ जाती है आपको। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह,
सुभान अल्लाह। एक मर्तबा रास्ते से गुजर रहे